गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं विद स्माइलिंग। श्री हनुमान जी लंका में माता सीता को ढूंढने के लिए गए। सारी लंका में ढूंढ लिया, माता सीता नहीं मिली। वो सोच रहे थे कि मैंने सब जगह देख लिया, माता जी नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मैं श्री राम जी को बोलूँगा कि सीता जी नहीं मिले तो श्री राम जी मर जाएंगे, अब श्री राम जी मर जाएंगे तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे, जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी मर जाएंगे तो कौशल्या जी और सुमित्रा जी मर जाएंगे, यानी पूरी अयोध्या डूब जाएगी मेरी वजह से। इतना डिप्रेशन में आ गए थे, कि अपना सिर पकड़ के एक जगह पर बैठ गए। क्या मैं क्या करूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको जीना मुश्किल लग रहा था, वो सोच रहे थे इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। महर्षि वाल्मीकि जी के श्लोक में ये लिखा हुआ है कि वो हनुमान जी इतने डिप्रेशन में आ चुके थे कि उनको लगता था कि मैं मर जाऊं। अब वो फिर से सोचने लगे कि भी मरना तो लेकिन कैसे मरूं, भूखा रह के मर जाऊं, बगल में इतना बड़ा दरिया पानी में डूब के मर जाऊं, या फिर आग लगा दूर उसमें घुस जाऊं। उनको मर जाना ज़्यादा बेटर लगा। वो ऐसे ऐसे पकड़ते रहे। उन्होंने अपना मुंह जैसे ही अयोध्या की ओर टर्न किया, क्या देखते हैं, अयोध्या की हवा, वहाँ से आने वाली हवा में भी श्री राम है। वहाँ से उन्हें अंदर से फीलिंग आई कि कोई बोल रहा है कि क्यों अकेले हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, ढूंढो, अब भी कोशिश करो। तुरंत वो खड़े हो गए, ऐसे सामने देखा तो उनको समझ में आया, अरे ये जगह तो मैंने चेक ही नहीं किया है माता जी को। वो अशोक वाटिका में ही बैठे, उन्होंने जाके वहाँ चेक किया, माता सीता जी वहाँ पे हैं। हम सब भी डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, काफ़ी 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 कोशिशें कर लेते हैं, कुछ हो नहीं पाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदा रहने से ज़्यादा बेटर है कि मर जाए, लेकिन नहीं, उस पर भरोसा रखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिशें जारी रखनी चाहिए। सोचिए, ताला बनाने वाला भी विदाउट की ताला नहीं बनाता, तो फिर ऊपर वाला कितनी भी बैड सिचुएशन, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे, विदाउट सॉल्यूशन तो नहीं रखने वाला, समझे? सोचिए, इस पर भरोसा रखिए और कोशिश करें, और कोशिश करें, ताले की चाबी ज़रूर मिलेगी। Be happy, keep smiling, bye-bye.